हेलो गाइस, कैसे हैं आप? और ये मेरे मासी जी है और ये मास्टर जी है। हम आए हुए हैं यहाँ पे कंडा में, और कंडा से भी काफ़ी आगे है, शायद 5-6 किलोमीटर आगे। और यहाँ चारों तरफ को बहुत ही अच्छा ग्रीन वैली है, होटल भी काफ़ी है, तो हो सकता है कभी आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। और मतलब पक्का पता ही नहीं है अभी, अगर हो सका तो। और वैसे भी मैं आपको यहाँ का व्यू बता देती हूँ कैसा कैसा है। देखना यहाँ पे चीड़ की पेड़ है, और मतलब ये अभी इस टाइम धूप चली गई है, शाम का टाइम हुआ वह, और हम घूमने जा रहे हैं। ये मेरी बहुत अच्छी मासी है, बहुत ही ज़्यादा। और मास्टर तो वो हंसी भी आ रही है, देखो नहीं दिख रहे होने। आपका नाम क्या बेटे? क्या नाम है? अनु। ये अनु दीदी की बेटी है। और ये कसौली से हो ना आप? हाँ, कसौली से। कल हम कसौली जाएंगे और घूमने के लिए चर्च जाएंगे देखने। मासी आप जाएंगे ना? चल देखते हैं। हाँ देखते हैं अभी घर जाके क्या बनता। तो ऐसे हैं अभी गाय वैसे देखने है ना, तो चलेंगे ठीक है थोड़ी देर के लिए। और ठीक है, अभी आपको मैं एक बिल्डिंग बताती हूँ। होटल है, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, होटल है, घर है। ओके, टेक केयर, बाय। यहाँ से शॉर्ट रास्ता नहीं है, नहीं तो हम चल जाते मंदिर में। नहीं ये ऐसे बनाया है। अच्छा, और देखिए इस बाटू दिख रहा है हल्का। हाँ। हल्का पार को, वो कितनी बड़ी बड़ी चीड़ की पेड़ है, चीड़ के पेड़े। देख ये मेरे मास्टर ऐसे है कि घर में डालेंगे ना पैंट, और इधर उधर जाएंगे जब तब डालेंगे पजामा। ये आगे चले हुए मेरे मास्टर, घर में डालेंगे एन कमीज। हाय, क्या हाल है आप सबके? मास्टर जी ध्यान से चलना, गिरना नहीं। और कुछ और बोलो। आप ऐसे करते ना, घर में पैंट डालते हो और इधर उधर जाना तो कुर्ता पजामा। ऐसा क्यों किया आज आपने? डेली ऐसे करते? नहीं, कुर्ते पजामे का शौक है। आज फंक्शन ही कुछ ऐसा था जहाँ पे कुर्ता पजामा चलता है। हाँ। अच्छा ठीक है, आपका देवी देवी देवता का प्रोग्राम था आपके ससुराल में है ना? मासी कौन सा गांव है ये पार? ये है घड़सी। घड़सी ये कौन सी जिला और उसमें आता है, मतलब तहसील में? कसौली। कसौली में आता है। अच्छा, तो ये वो तो नहीं है, स्वाटू रोड तो नहीं है? हाँ, पार्क। हाँ। और ये पार्क गोल दिख रहा है? है नहीं, गोल नहीं है। क्या गोल नहीं है पार्क? कैसा गोल? धर्मपुर गोल है ये कोई? हाँ यूं है, यूं। हाँ यूं। अच्छा वो है ये? हाँ। तो ये लगी हुई बोले पार्क गोल है ना? ये हो रहा है गोल की साइड है साइड गोल पार्क है बहुत। अच्छा ये है कठनी। अच्छा कमठान, घड़शी, कुकाना। ओके गाइज, ये वहाँ पे ये वाला जो वहाँ पे है पत्थरों की दीवार लगी हुई है, और इससे मतलब पानी नहीं आता अंदर को और ना ही गिरता है। और फिर ये मतलब ये मकान आगे ऐसे बनता है हमारे हिमाचल में, कहीं भी देख लो ये पत्थर वाली दीवार हमेशा लगती है। इसको हमारे यहाँ पे डंगा बोलते हैं, कि छोटे डंगे होते हैं, कईयों में तो सरिया भी लगाते हैं। और ऐसा किसी का मकान बन रहा है, शॉप बन रही है, और चीड़ की पेड़। चीड़ की पेड़ का मतलब ये, देखो ये हमारे नए नए गेस्ट हैं, ये इनको रूम चाहिए,
अभी तक इनको सॉली से लेकर यहाँ कुटकाट तक को कोई रूम नहीं मिला। बुक है, बहुत फनी, बहुत फनी है मेरी मासी और मास्टर जी। मुंह नहीं आ रहा। बोलो। देखो ये कल से रूम के लिए घूम रहे हैं, ये कसौली से आया है, वैसे ये सोलन से आया है, लेकिन कसौली में इनको रूम नहीं मिला। सारे रूम बुक है जी, दरअसल भी नहीं मिला। अब ये कुटवाड़ की ओर आए हैं, लेकिन यहाँ इन्हें रूम पसंद नहीं आया। और कुछ हमारे मायके में आए हुए, वहाँ प्रोग्राम है, आज रात वहीं ठहरेंगे, तो कल सुबह जाएंगे। गाइस ये बहुत फन करते और बहुत झूठ बोल रहे हैं। नहीं हम जाएंगे, घर से पहले नहीं है, मैंने राजीव को स्कूल भेजना है। और ये हाँ कल हमारा बड़ा दिन बोलते हैं, कल का भी छुट्टी बताना। कल है छुट्टी उसकी है, क्रिसमस डे, तो हम चर्च में जाएंगे और मासी मासूर भी जाएंगे। मासूर नहीं जाएंगे, सिर्फ मासी जाएगी। मासूर तो अपने ड्यूटी जाएंगे, मासूर ड्यूटी जाएंगे। मैं इनकी भी छुट्टी है, मासूर जी की छुट्टी है। अच्छा कि प्यारा सा व्यू, और देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, तो मतलब ये जो ये वाली दीवार है, ये वाली दीवार ये हमेशा लगती है, हिमाचल में हमेशा ऐसे ही होता है। और बादलों से मतलब हल्के हल्के बादल आए हुए, कितना किलोमीटर दूर जाके आए हम। अंकुश का घर ढूंढते ढूंढते कितना प्यारा व्यू है, एक ही जैकेट है मेरे पास, मैं इसी को लेके घूमती हूँ, माय फेवरेट जैकेट। टोपी, टोपी तो न्यू है, और दूसरी वाली थी वो मैंने अपनी मम्मा को दे दी, ये वाली कलर कलर वही है, और ये ग्रे कलर की भी है, और मतलब मेरे को ये अच्छी लगी, इसमें गर्म है, इसमें ऊफ जैसे मतलब हो जाती है ना। और राजीव क्या कर रहा सबसे पीछे, फोन चला रहा है जी, फोन चला रहा है। मासी आप कब आएंगे मेरे पास? आएंगे देखते हैं, हाँ जिस दिन सोलन चक्कर लगे आना, हमने पहले के बाद बेटे को लेके। अच्छा शॉपिंग करने? नहीं ना ना, हॉस्पिटल शॉपिंग तो हमने शादी की शॉपिंग, सबने शॉपिंग, अभी कोई पता नहीं कहाँ से करेंगे। गाइज मुझे यहाँ पे एक अंकल आंटी मिले हैं, और बहुत अच्छे, देखो यहाँ के काम मतलब खुद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, और अपना काम खुद करते हैं। इसमें क्या रखा छुपाया आपने, इसमें क्या रखा? रेता सीमेंट। अच्छा सीमेंट, अच्छा वो देखो कितना वहाँ जंगल में इनका घर बन रहा है वहाँ पे। तो आपको यार जानवर का डर वगैरह नहीं लगता? जानवर नहीं आते यहाँ पे? अच्छा आ जाती है, यहाँ से ऊपर एक दूसरा घर भी है। अच्छा पड़ गए लगना रखी? हाँ तो खूब का है। अच्छा जैसे हुंदे जाओ थे बाटारी सनियार आ रही थी, से पहले ना मियेरी थी, से सनियारे लोई थी। अंकल यहाँ पे ना जैसे मान लो ना एक दो बीस वो लेनी हो तो क्या कॉस्ट पड़ती है इस जमीन की? देखो भाई 60 लाख रुपए बीघा है, हम निकालो। तो मतलब बीघा, एक बीघा कितने? 20 रुपए का एक बीघा। हाँ। अच्छा ठीक है, तो उसमें जोड़ लो। अच्छा मतलब रोड हेड पे? रोड के साथ। अच्छा पल्ली साइड देनी है। आपका घर कहाँ है मतलब ये, और पुराना घर कहाँ था आपका? जो आपने गाइस कितना प्यारा मकान है, देखो मैंने आपको बताया था ना ये पत्थर वाली दीवार, ये हमेशा आपको हिमाचल में हर जगह मिलेगी। और कितना प्यारा गेट लगा हुआ। और मासी ये होटल है? नहीं हाँ घर है, पर्सनल। कितना प्यारा घर है किसी का। और ये होती है हमारे गांव की बावड़ी पानी, और यह नल लगा हुआ, और अगर नल में पानी ना आए तो ये बाल्टी से निकालते हैं, किसी बर्तन से निकालते हैं। कितना अच्छा मतलब लिपाई की हुई इसकी। वहाँ छोटा सा मंदिर भी है,
और ये है बैठे हुए यहाँ पे सभी आग सेक के ये अंदर क्योंकि काफी गेस्ट हैं ना तो यहाँ ऐसे बैठे राजीव तो आप बताइए ऐसे ही मूंछ पा कर रखता है और लगे हुए आप गप सप मारने दूसरे की चुगली चागलिया करने अच्छा ऊपर ले आया दुकान क्या खा रहे ये हमारे गरीब का लड्डू है गरीब का लड्डू है मीठा है ये आप खाओ खाते प्राइवेट बात करनी प्राइवेट बात करनी प्राइवेट यहाँ पे बोल क्या ले लो बोलना है मेरे पास मेरे पास पर्सनल बात करनी होगी चुपके से है ना चुपके से करनी कोई बात है नहीं हाँ टेस्टी है ना रियल है ना भैया मैं तो पाली थी सुबह बैठ जा चलो दीदी बेचारी रो रही सारा ही मारदे की बेचारी ठीक है दीदी ज्यादा दी मैंने दो हाथ करे एक और दियो अबू उसने ले ली उसने मेरे को दे इसने खा ली ए मेरे को दे नानी को दे नानी ने ले ली दूजी नानी मुझे मुझे भी दे दो एक लगेगा इधर 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 नानी को दे दो नहीं इसके पास बचेगा भी कि नहीं फिर नहीं मेरे को समझम जी बहुत खा लिया मेरे को मेरे को मेरे को बच्चा हम ऐसे ही नीचे बैठ के फिर खाना खाते हैं और अभी आया है हमारे को हलवा और ऐसे बोलते हैं देखिए यहाँ पे कि हम रोटी खा रहे भाई आप भी खा लीजिए हलवा बड़ा टेस्टी बनाया हुआ हिमाचली हलवा बहुत अच्छा है बहुत टेस्टी है पनीर मटर पनीर बड़ी टेस्टी स्वाद सब्जी बनी हुई राजीव के पास हुई है पर ये देखना इसका तरीका खाने का कैसे खाता है और ये हमने गर्म पानी लिया हुआ और ये ऐसे खाते हैं हम यहाँ पे देखो इतने अच्छी तरह से खा रहे हैं सभी और ये अभी बांटने वाले और ये यहाँ पे गप सप लगा रहे हैं गाँव के सभी भाई 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 बहन